हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और हिरास किचन। ये मेरी फ़र्स्ट यूट्यूब वीडियो है जिसमें मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ झींगे का पुलाव, प्रॉन्स पुलाव। प्रॉन्स पुलाव के लिए बेसिकली जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो ये हैं। मैं इस वक्त बना रही हूँ 1 kg राइस का पुलाव। 1 kg राइस हैं, ये सेला राइस हैं जिसको मैंने तकरीबन 2.5 घंटे पहले भिगो दिया था। अगर आप सेला राइस यूज़ नहीं कर सकते हैं तो फिर आप बासमती राइस ले लें, लेकिन बासमती राइस को आप इतनी देर नहीं सोक करेंगे वाटर में। ये तकरीबन आप 1 आवर के लिए सोक करेंगे अगर आप बासमती राइस यूज़ कर रहे हैं, और अगर सेला राइस यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको 2 and 2.5 years के लिए जो है वो सोक कर देंगे। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है, ये हमारे पास अनियन है जिसको मैंने पहले से फ्राई किया हुआ है। बेसिक इसके लिए है हमारे पास यखनी, मैंने जो पहले से तैयार की हुई थी। इसमें हमने 2 kg वाटर लिया, 2 onions डाले, 10 green chilies ऐड की, और तमाम गरम मसाले। अगर आप ज़्यादा यूज़ कर ज़्यादा में स्पाइसेस चाहते हैं तो ज़्यादा ले लें, नहीं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक तमाम गरम मसाले और सॉल्ट डाल के तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको पकाएंगे। ये यखनी हमने तैयार कर ली। ये हमारा रिवायती पुलाव है, बेसिकली जो हमारी अपनी रेसिपी है, और इससे बहुत ही शानदार टेस्ट आता है। उसके बाद ये हैं 750 grams, 3 पाव के करीब झींगे हैं। ये आधा किलो दही, 500 grams दही है। इसके अंदर 1 गड्डी धनिया, 1 गड्डी पुदीना, और तकरीबन आधा पाव हरी मिर्चें छोटी वाली, वो मैंने पहले से ग्राइंड करके रखी हैं। ओके, 1 कप ऑयल है, 1 tablespoon ज़ीरा, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 teaspoon ब्लैक पेपर, 2 teaspoon कोरिएंडर पाउडर पिसा हुआ धनिया, 2 to 3 tablespoon होगा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट होगा, और अनियन ये हमने पहले से फ्राई करके रखी हुई है। अब चलते हैं हम अपने मेथड की तरफ। ये जो हमारा पुलाव है, मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, ये हमारा रिवायती, मैंने बताया हमारे अपने मतलब ख़ानदानी रिवायती पुलाव है। अब हम ऑयल डाल रहे हैं, फर्स्ट हमने ऑयल डाला। अच्छा, मीडियम फ्लेम को हम जो है वो अभी मीडियम ही रखेंगे हम अभी ना। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं लहसुन अदरक, 2 to 3 tablespoon जो है हमने लहसुन अदरक डाला, और उसको अच्छी तरीके से हमने फ्राई किया। तकरीबन 5 to 10 seconds हमने इसको फ्राई करना है, और स्पून को हमने चलाते रहना है। ताव बनाने के लिए या बिरयानी बनाने के लिए थोड़ा सा आप हमेशा देखें कि जो आप अपना पतीला यूज़ कर रहे हैं वो बड़ा ही है, इस वजह से कि चावल जब दर जाते हैं या फिर उससे बहुत डिस्टरबेंस हो जाती है और चावल ख़राब हो जाते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपने प्रॉन्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रॉन्स डाल के 2 to 3 minutes के लिए हम इसे जिंजर गार्लिक पेस्ट में फ्राई कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि प्रॉन्स को मैंने पहले भी तकरीबन 2 से 3 minutes के लिए, प्रॉन्स आप जब भी बनाएं उसको 2 से 3 minutes के लिए पहले आप फ्राई कर लें। उससे ये होगा कि एक तो प्रॉन्स की स्मेल भी निकल जाती है, और प्रॉन्स को ये लाजमी, अगर आप कोई भी प्रॉन्स की डिश बना रहे हैं 2 से 3 minutes के लिए प्रॉन्स को किसी फ्राई पैन में या किसी भी पतीले में किसी भी चीज़ में आप फ्राई कर लीजिए 2 से 3 minutes तक। अगर आप ये प्रोसीजर ज़्यादा करेंगे तो आपके प्रॉन्स हार्ड हो जाएंगे। अब आपने थोड़ी सी अपनी फ्लेम को हाई कर दिया, और प्रॉन्स को लहसुन अदरक में अच्छी तरीके से आपने फ्राई किया। अच्छा, बहुत सारी जो हमारी वो होती है मेथड पकाने का, ही होता है कि हमारे पास अलग अलग स्टूल्स होते हैं, उनकी तपिश अलहदा होती है, उनका जो टेम्परेचर है अलहदा होता है। इस वक्त मैं जिस स्टूल पे कुकिंग कर रही हूँ उसका थोड़ा सा लो है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जो मैंने आपको बताया था 500 grams दही, जिसमें मैंने 1 गड्डी धनिया, 1 गड्डी पुदीना, और तकरीबन आधा पाव हरी मिर्चें छोटी वाली, उनको मैंने ग्राइंड किया, ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लिया। अब ये इस मिक्सचर के अंदर हम प्रॉन्स को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि हमारे पास तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसका टेस्ट प्रॉन्स में अच्छी तरह रच बस जाए, बिल्कुल टेस्टी से जूसी से हो जाए।
फ्लेम को अभी हम हाई ही रखेंगे। अगर आपका टेम्परेचर हाई है आपके स्टोव का तो फिर आप लो टू मीडियम रख सकते हैं, अदरवाइज़ देखने से खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि अगर आपकी फ्लेम डिस्टर्ब हो रही है तो आप फ्लेम को खुद ही ऊपर नीचे करें। अब इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा। अच्छा, जब हम ऐड करते जाएंगे तो उसको साथ साथ मिक्स भी करते रहा करें। एंड 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, एंड 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, पिसा हुआ धनिया, और 2 टेबलस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट मैंने अभी जो हमने अपना स्टॉक तैयार किया था, यखनी जो हमने तैयार की थी इसमें हमने पहले भी ऐड किया था, तो अभी मैंने 2 टेबलस्पून इसलिए ऐड किया है ताकि ज़्यादा ना हो जाए। जब हम लाओ की जब हम यखनी इसमें ऐड करेंगे तो लास्ट में थोड़ा सा नमक हम चख लेंगे, उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें और नमक डालना है या और नमक नहीं डालना है। फ्राई करते रहेंगे, जब ये मसाला अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी यखनी। यखनी को ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे। देखें, हमारा ये मसाला फ्राई होना शुरू हो गया है। जब तेल ऐसे अलहदा होना शुरू हो जाए उसका मतलब हमारा मसाला फ्राई होना शुरू हो गया है। ओके, अब हम इसके अंदर बताना भूल गई थी आपको, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और वो भी साथ साथ हम इसको फ्राई करते रहेंगे। ऑयल छोड़ देगा बिल्कुल, इस फॉर्म में हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। तो हम इसके अंदर डालेंगे अपनी यखनी। अच्छा, यखनी जब हम डालेंगे तो एक दफ़ा एहतियातन नाप के डालेंगे ताकि चावलों में पानी ज़्यादा ना हो जाए। एक ये हमारे पास 1 पाव का कप है, 1 पाव, सेकेंड 1/2 kg हो गया ये, एंड 3 ये अबाउट 6 मग मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। 6 मग्स के लिहाज से मतलब 1 kg एंड 1/2 kg, 1.5 kg जो है वो स्टॉक मैंने डाला है। अब इसके अंदर मैं चावल जब ऐड करूंगी जब इसमें थोड़ा सा बॉईल आ जाएगा, हम वेट करते हैं इसके बॉईल आने तक। बॉईल आने से पहले हमें इसका सॉल्ट जो है वो चखना होगा, अगर नमक ठीक होगा तो हमने नहीं डालना है, और अगर नमक कम होगा तो फिर हम इसमें और ऐड कर देंगे। मेरे हिसाब से नमक बिल्कुल परफेक्ट है। अब जब ये खौल जाएगा पानी, इसमें उबाला आ जाएगा, तो हम जो है दोबारा चावल डाल के फिर इसमें तली हुई प्याज की तह लगाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट आ गया यखनी में, देख रहे हैं आप हमारी यखनी जो है वो बॉइलिंग लगी। अब हमने क्या करा कि जो हमारे पास 1 kg राइस थे भीगे में रखे हुए थे, हमने इसको पूरा
ऐड कर देना है इसमें। ये तकरीबन मैंने सेला राइस यूज़ किए थे, तो इसको मैंने 2.5 आवर के लिए सोक किया वाटर में। और अगर आप बासमती राइस यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है वो 1 आवर इट्स इनफ फॉर सोकिंग। आप 1 घंटे में भी के लिए भी उसको भिगो सकते हैं। थोड़ा सा ख्याल किया करें कि जब आप यूज़ कर रहे हो कुकिंग में इंग्रेडिएंट्स को, तो अच्छी तरह बर्तनों को साफ़ कर लिया करें, खाने को बिल्कुल ज़ाया ना किया करें। अच्छा, मैं अब आपको बताती चलूँ। ये सेला चावल का जब हम पुलाव बनाएंगे तो 1 केजी, अगर हम एक पाव के, मेरे पास 1 पाव का जो बर्तन था उसमें मैंने 4 ग्लास वाटर राइस का लिया था, तो उसमें मैंने 6 ग्लास जो हैं वो पानी के यानी अपने स्टॉक के मैंने ऐड करे इसमें। अब हमने क्या करना है, इसको हाई फ्लेम पर हमने जो है कुक करना है। जब हमारे पास ज़्यादा नहीं चला भूल जाएंगे, जब हमारे पास ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा पानी, हम इसके ऊपर सिर्फ जो है अपनी अनियन की लेयर लगा देंगे और दम दे देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए अपने पुलाव को। उसके बाद हमारा पुलाव इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। अच्छा, एक दफ़ा मज़ीद जब आप चावल ऐड कर दें तो सॉल्ट को टेस्ट कर लिया करें। मेरे हिसाब से बिल्कुल मुनासिब है सॉल्ट इसमें। इस वक्त मेरा जो गैस का प्रेशर है, टेम्परेचर काफ़ी लो हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़रा देर से आ रहा है। अगर आपका हाई होगा या गैस प्रॉपर तरीके से आएगी तो आपका प्रॉपर तरीके से बॉयल जल्दी हो जाएगा। अब आप देखें थोड़ा थोड़ा पानी मेरा ड्राई होना स्टार्ट हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है। साइड से थोड़ा सा आप अपने चावलों को हिला दें, पर चावलों को इस तरह मत हिलाइएगा कि चावल टूट जाए। टाइम लग जाएगा। अब देखें मेरी तकरीबन जो है वो पानी ड्राई होने लगा था, तो मैंने इसको अब दम पे लगाना है। दम पे लगाने के लिए अब ये इतना जब पानी हो जाए तो ये प्रॉपर तरीके से आपने अपनी अनियन भी पहले से फ्राई और ड्राई की ली थी, आपने इसके ऊपर लेयर दे देनी है। अगर आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे जो हमारी अगर बिल्कुल बास ग्लास के कवर्स होते हैं वो बिल्कुल टाइट होते हैं, उससे दम बाहर नहीं आ सकता। अगर हमें डाउट है कि हमारे पतीले में या बर्तन से हवा बाहर आएगी, दम लगाने में प्रॉब्लम होगा, तो हम अपने कवर को किसी भी दस्तरखान से या किसी भी रुमाल से इस तरीके से कवर कर लेंगे। और अब हम इस बिरयानी को 15 से 20 मिनट के लिए दम दे देंगे। हमारे 15 से 20 मिनट के बाद दम हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा पुलाव आँच जो है वो हमने रखनी होगी। इस वक्त मेरे पास टेम्परेचर जो है वो लो आ रहा है गैस का, तो आँच मैंने इस वक्त फुल रखी हुई है, वरना मीडियम आँच पे पहले 5 मिनट के लिए, हम जब भी दम लगाते हैं तो 5 मिनट या 4 मिनट के लिए हम आँच को तेज़ रखते हैं, उसके बाद हम अपनी फ्लेम को मीडियम पे कर देते हैं ताकि नीचे से हमारे चावल ना जलें। अभी यह है मेरे पास, मैंने आँच को मीडियम पे कर दिया है ताकि प्रॉपर तरीके से दम लग जाए। पहले मेरी फ्लेम हाई हुई भी थी, अब मैंने इसको मीडियम पे कर दिया है, और तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद दम लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा मज़ेदार झींगे का पुलाव कैसा बना और पक्के कैसा तैयार हुआ। अब हमारे 15 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, अब हम अपना दम चेक करते हैं कि हमारा दम कितना हुआ। ज़बर, ये देखें हमारा दम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, हमारा दम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और हमारा जो झींगा पुलाव है ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब
अगर आप लोग थोड़े नरम चावल खाते हैं चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ थोड़े खड़े खाए जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि थोड़े नरम हो तो इसको 5 मिनट्स का मज़ीद दम दे दें। अब हम इसको शाम करेंगे पांच पे डाल। Now here is the time for decoration and checking taste. कुछ ककंबर खीरे से गार्निश कर देंगे हम, थोड़ा सैलेड एंड देन रायता। रायता भी देखिए हमने पहले से बना के रखा हुआ है, रायता भी इसमें हम ऐड कर देंगे, देन टेस्ट करेंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी झींगे का पुलाव, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियोस के लिए अल्लाह हाफिज़।